गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल. टुडे आई विल डिस्कस द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इफेक्टिव रेजिस्टेंस और नेट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. मीन्स पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि अगर आप सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस को सीरीज या पैरेलल में जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट किस तरह निकालते हैं, है ना. इसका हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ट क्वेश्चन अभी देंगे पहले, उसके बाद बुक पढ़ाएंगे. जितना हम दे सकते हैं वो देंगे आपको. ध्यान समझोगे अभी आपको मैं बिल्कुल सिंपल पैटर्न समझा रहा हूँ. मान लीजिए कि आपके पास एक रेजिस्टेंस R1 ये है और दूसरा रेजिस्टेंस R2 ये है और ये दोनों रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया R1 ये मान लो बाबू 2 ओम है, R2 ये तुम मान लो कि 4 ओम है, ठीक है. तो निकालना आपको है नेट रेजिस्टेंस इस केस में कितना है. पहला क्वेश्चन ये है, आसान है समझिए. दूसरा क्वेश्चन है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है 5 ओम और दूसरा दिया हुआ है 10 किलो ओम. एक 5 ओम है, दूसरा 10 किलो ओम है, तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा ये निकालना है. दो क्वेश्चन ये हो गया. तीसरा थोड़ा ऐसे डिफरेंट होगा. हाँ बिल्कुल नहीं. तीसरा मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस ये दिया गया है, दूसरा ये दिया गया है और फिर तीसरा रेजिस्टेंस ये दिया गया है और यहाँ पर निकालना है नेट रेजिस्टेंस. ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है. R1 मान लो 2 ओम, R2 मान लीजिए 4 ओम, R3 मान लीजिए 3 ओम. और चौथा जो क्वेश्चन का फिगर है वो ये है कि अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस यूं इस तरह दिया गया है, दूसरा रेजिस्टेंस यूं इस तरह दिया गया है, तीसरा फिर आपके पास यूं इस तरह दिया गया है और चौथा फिर आपके पास इस तरह दिया गया है, तो इस केस में नेट रेजिस्टेंस क्या है ये आपको निकालने के लिए कहा गया है. ये आपका मान लीजिए 1 ओम है, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 4 ओम है, ठीक है. इस केस में नेट क्या होगा. कुल मिला के आपको हमने कितना केस दिया, कुल मिला के आपको अभी हमने 4 केस दिया. अभी कुल मिला के हम 10 केस का आज काम करेंगे, 10 टाइप पर, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा उसका, ठीक है. सभी ध्यान देना क्या बोलना है. 10 टाइप पर काम करूँगा, 10 केस पर. सबसे पहले तो आपको सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला याद होना चाहिए. हमने पढ़ाया था अगर आप नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं, आर एस मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज को शॉर्ट में पढ़ते हैं आर एस. सीरीज के लिए वो लोग क्या करते थे, सारे रेजिस्टेंस को जोड़ दिया करते थे, जितना पीस रहेगा उतना पीस. पैरेलल के लिए क्या करते, याद होगा आर पी मतलब पैरेलल के लिए सभी के राशि प्रोकल को जोड़ते थे. मीन्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना पीस रहेगा. ये हम सिखाए थे. लिखना कैसे उसको वो आज सिखाएंगे. जैसे फर्स्ट फिगर पाइए, फर्स्ट फिगर में बोलिए करंट अगर इस तरफ से इन किया, करंट दो भाग में बढ़ जाएगा, दो भाग में बढ़ जाएगा मतलब दोनों आपस में क्या है पैरेलल में. तो रिएक्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल का एक शॉर्ट ट्रिक दिए थे, है ना. रिएक्टेंट रेजिस्टेंस पैरेलल का शॉर्ट ट्रिक था R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, दो के लिए था वो. यहाँ वही पीस है, इसको R3 ना लिख करके इफेक्टिव रूप में लिखते हैं तो R12 का मतलब क्या हो गया, रिजल्टेंट ऑफ 1 एंड 2. क्या पढ़ेंगे इसको, रिजल्टेंट ऑफ 1 एंड 2. रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये पैरेलल में है ना, क्या हो गया R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, कितना आ गया 8/6, काटेंगे कितना आएगा 4/3. कोई प्रॉब्लम किसी को, कहीं प्रॉब्लम किसी को है, नो सर कहोगे. मतलब कि अगर आपके पास पैरेलल में था तो आपने ये तरीका अपनाया, ठीक है. इसका आइए अब ये दोनों पहले समझोगे नोट बाद में. ये R1 है, ये R2, ये दोनों किस में है, सीरीज या पैरेलल, सीरीज में है. फिर आपको हम पढ़ाए थे अगर रास्ता एक ही हो
बटे नहीं, करंट एक ही रास्ता जाएगा ना, मतलब ये दोनों किसमें है, सीरीज में। सीरीज के लिए आप रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 2 लिखे, पढ़ते क्या है इसको, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 and 2 इज वट, R1 + R2 दैट मीन्स 5 ओम प्लस कितना 10 किलो ओम। देखो 5 ओम तो 5 ओम रह गया, 10 किलो ओम मतलब 10 गुना 1000 करेंगे, 10 गुना 1000 करेंगे, किलो मतलब होता है 1000, 10 गुना 1000 कितना होगा 10000 ओम, सही है, जोड़ेंगे कितना आएगा 10005 ओम, आंसर हो गया इसका, सही आया। किलो मीन्स 1000 टू 10000 होगा, और उसके बाद टोटल जोड़ दिए, ये भी आसान था। चलिए ये दोनों आसान था जिसको हम समझा दिए, लिखने का तरीका R12, अगर 3 पीस होता तो R123 लिखते, यहाँ देखिए 3 पीस रेजिस्टेंस है, करेंट यहाँ से एंटर किया, मान लो बैटरी यहाँ जोड़ोगे ना, करेंट यहाँ से आएगा, पहले आपको क्या करना है इस दोनों के बदले क्या निकाल सकते हैं, मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस रखो जो दोनों के बदले अकेले काम करे, है ना, तो उस दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, पहले बोलो रिजल्टेंट ऑफ 1 and 2 क्या होगा, पैरेलल में है, कहोगे सर 2 into 4 by 2 + 4 होगा कितना आएगा 8/6, कटिंग कितना आएगा 4/3 ओम, ये आया इस दोनों का रिजल्टेंट, इस दोनों का रिजल्टेंट बाबू जब निकाल लिए तो मतलब क्या ऐसा होगा, मतलब होगा इस दोनों की जगह पर आप रख सकते हैं किसका 4/3 ओम, एक फिगर और चेंज होगा, यहाँ पर एसी का फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, फिगर का चेंज हो जाएगा, चेंज बोल दिए क्या होगा, मतलब कि आपने इस दोनों को रिप्लेस करके दोनों की जगह किसको ला दिया, दोनों की जगह आपने लाया 4/3 ओम। इस तरह एग्जाम में फिगर भी रिड्यूस करोगे तो आपको समय अपने आप आ जाएगा, तो ये दोनों हट गया, मतलब दोनों खड़ा के पास सिंगल पीस ले आए, कितना ओम का है 4/3 ओम का, बाकी बचा हुआ कौन है, बाकी बचा हुआ आपके पास है 3 ओम, बचा हुआ है ना, कितना ओम है 3 ओम, अमाउंट कितना है इसका 8/3 करेंगे उसको, सही है, अरे इस दोनों के बदले 4/3 लिख दिए, ये उतार दिए, अब बोलो फिर दोनों किस में आ गया, सीरीज में आ गया, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 2 3 मतलब तीनों आ गया ना, 1 2 ये था, ठीक है 1 2 3 मतलब क्या, रिजल्टेंट ऑफ 1 2 and 3 सीरीज में है ना, सीरीज में दोनों जोड़ देंगे, मतलब कहोगे सर यहाँ R12 + क्या करेंगे R3, R12 का मान कितना है 4/3 और इसका मान कितना है 3, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 9 4 13/3 ओम, आंसर हो गया, समझे, ये लिखने का तरीका उसको R12 R1 2 3 4 R1 2 3 4, ठीक है, ये यहाँ तक क्या दिखाया रिजल्टेंट ऑफ 1 2, ये रिजल्टेंट ऑफ 1 2 3 दिखाया, ठीक है, समझ गया ना, चलिए ये तो हम लोग सिखा दिए, एक और आखिरी जो फिगर आप देख रहे हैं चार्ट नंबर, इस पर गौर कीजिएगा, ये मान लीजिए इसको R1 कहें, ये R2 कहेंगे, ये R3 कहेंगे और ये क्या कहेंगे R4, बात नहीं, करंट एंटर किया, करंट बटा कि नहीं, करंट बट गया, दो भाग में बट गया, मीन दोनों किसमें है, करंट यहाँ आया, हेल्प यहाँ पे आया, फिर करंट बटेगा, फिर दोनों किसमें हो जाएगा पैरेलल में, तो पहले इस दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट ऑफ 1 and 3 निकालेंगे, 1 3 का, ये 1 3 मान रहे हैं इसको, R1 3 कितना होगा शॉर्ट ट्रिक 1 into 2/1 + 2 कितना आएगा 2/, तो दिक्कत नहीं है, फिर रिजल्टेंट ऑफ 2 4 ये भी किसमें है पैरेलल में है ना, ठीक है, यहाँ कितना आएगा 2 into 4/2 + 4 मतलब 8/6, काटेंगे कितना आएगा 4/3 ओम, कोई कष्ट किसी को नहीं, अब कहोगे सर इस दोनों के जगह पर क्या पुट करेंगे, दोनों के जगह पर फुट अभी जैसे सिखाए कितना पुट करेंगे 2/3 ओम और इस दोनों के जगह पर क्या पुट करेंगे, इस दोनों के जगह मतलब 8 2 4 का मान कितना हो गया 4/3, अब दोनों किस में आ गया सीरीज में, therefore कहोगे सर रिजल्टेंट ऑफ 1 2 3 4 चारों का रिजल्टेंट तो जोड़ देंगे 2/3 + कितना 4/3, आंसर कितना आएगा 2 ओम, सॉल्व कर लोगे, समझ आया कैसे, ये तरीका हो आने का, रटना नहीं है कुछ इसमें, फिगर को रिड्यूस करना आपको खुद से है, एंड सिंपलेस्ट फिगर तक पहुंचना है,
ठीक है, जहाँ हमें फिगर ड्रॉ करना है और आर वन टू है, अगर आप कितना जगह मान लो अगर एस एम नहीं करते यूज, तो यहाँ भी लिखते आर पी, यहाँ भी आर पी, केवल आर पी लिखते हैं, आर पी तो कहीं पर लिखाएगा ना, यहाँ पर लिख दिया आर वन टू मतलब क्या हो गया, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ वन एंड टू, आर वन टू थ्री मीन्स क्या, रिजल्टेंट ऑफ वन टू थ्री थ्री, आर वन टू थ्री फोर मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ वन टू थ्री फोर मतलब चारों का रिजल्टेंट आ गया, ये था एक और तीन रिजल्टेंट, ये था दो और चार रिजल्टेंट, मतलब क्या हुआ, इस दोनों के बदले ये पुट कर सकते हैं, इस दोनों के बदले ये पुट कर सकते हैं, चारों के बदले ये पुट कर सकते हैं, समझ में आया, ये इसका मीनिंग ये हुआ, काम उतना ही करेगा ये अकेला अकेला काम करेगा, ठीक है, मतलब चारों को हटा करके इसके जगह पे सिर्फ दो हम रहेंगे वो भी उतना ही काम करेगा जो चारों मिल के काम कर रहा था, इसी इसको समझाना चाह रहे थे, ठीक है, चलिए फास्ट सर। करंट यहाँ से एंटर करेगा ना, करंट यहीं बट गया बाबू ना, अगर लगातार अगर ऐसा रहता ना फिगर, बात है इसको देखो, अगर फिगर यू इस तरह रहता, तब कहते क्या ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, फिर इस दोनों को कहीं पट डालो, नहीं कहते करंट यहाँ से गया इसमें, यहाँ चेंज पास नहीं किया सीरीज में हो गया, यहाँ भी चेंज नहीं किया फ्रिज में हो गया, तब कर करंट यहाँ तो बट गया ना, यहाँ से गया बट गया यहीं पर और लगातार चलता ही है, यहाँ भी उसके सर्किट बिटना है लगातार चलता तो दोनों फ्रिज में करते पर काम करेंगे हम, अभी कुल 10 सवाल पे काम करेंगे है ना, आपको 10 पर काम करेंगे, आप लिखिए 10 आवाज नहीं सीखो, हो गया फर्स्ट फेज में सारा आसान था, सेकंड फेज थोड़ा सा कंप्लीट होगा, नोट सब कुछ घर में कर लोगे, ठीक है, नोट सब कुछ कर लोगे ना, नाम कर लिया, चलिए मिटाएं इसको, हाँ एक नोट किया पता है, बाकी तीनों शाम था बना लिया पहले,
ध्यान नहीं जाके फिर नेक्स्ट फोर्थ फिर ध्यान दीजिएगा फिर बात नहीं फिर सुनता रहोगे। नेक्स्ट फोर्थ में एक और क्वेश्चन है, जैसे ये आपके पास रेजिस्टेंस का कलेक्शन दिया गया है, ये R1 है, ये R2, ये R3, ये R4, R1 दिया हुआ 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 6 ओम, फर्स्ट पेज ये सिक्स नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्लेक्स होगा। ये है मतलब आप बैटरी को यहां से यहां जोड़े, ठीक है, बैटरी को जिस जो इंड हम डार्क कर रहे हैं जिस इंड को मैंने डार्क किया समझ जाना उसी इंड के दोनों किनारे पर तार जोड़ के बैटरी जोड़ा गया है, ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब सबसे क्या क्या किया गया इसमें, बैटरी को ऐसे जोड़ा गया, ठीक है, ये मान लो R1 है, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, सब 1 ओम का है, सब कितना ओम है, सब 1 ओम का है, ठीक है, 7 हो गया। आठवां क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, आठवां क्वेश्चन है कि एक ये क्वेश्चन जो दे रहे हैं अभी आपको, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस साल आया था, एक वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, क्या दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है, इस वायर को आप सर्किल में बेंड कर दीजिए, सर्किल में बेंड कर दीजिए, वायर को क्या किया सर्किल में बेंड कर दिया, सर्किल में बेंड करने के बाद इसके डायमेट्रिक इंड, डायमेट्रिक इंड जानते हो क्या होता है ना, ये सेंटर है, इसको डायमीटर कहते हैं, डायमीटर का इंड एक ये है एक ये है, इस दोनों पॉइंट को कहते हैं डायमेट्रिक इंड, इस दोनों पॉइंट को क्या कहते हैं डायमेट्रिक इंड कहते हैं, इसके डायमेट्रिक इंड पर आपको रिएक्टेंट रेजिस्टेंस निकालने का, मतलब कि बैटरी को यहाँ से ऐसे जोड़ा गया है, ठीक है, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने पूछ रहा है क्या होगा दोनों वायर की पॉइंट, एक हो गया कितना हो गया आठ हो गया ना, आठ हो गया, ये नौवां क्वेश्चन है, फिर सफर का हम करेंगे अभी, नाइन्थ है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, कितना है आर, इसको पांच इक्वल भाग में बांट दिए, एक दो तीन चार पांच बांट दिए, अब ये पांचों भाग को पांच भाग है ना, पांचों भाग को जोड़ दिए किसमें पैरेलल में, पांचों भाग जोड़ किसमें दिए पैरेलल में, मान लो बैटरी है या सेल है, तो रिएक्टेंस क्या होगा, नौ हो गया, फिर नौ क्वेश्चन पे काम करते हैं और आखिरी इसके बाद काम करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए इन सारे क्वेश्चन पर ध्यान सुनिएगा, पहले पहला पांच नंबर मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ये स्पेस जो मैं ले रहा हूँ ये सिर्फ सॉल्व करने का ही स्पेस ले रहा हूँ बस, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को पांच नंबर पर सभी ध्यान दो अब अच्छे से। R1 पहले करंट कहाँ से जाएगा, ये दोनों इंड हैं हम लोग, मतलब बैटरी को आप इस इंड के अलॉन्ग जोड़ दिए, करंट यहाँ गया, करंट यहाँ, करंट यहाँ, करंट क्या हो गया बट गया, बट गया, तो जो करंट R1 में गया वही R2 में जाएगा कि नहीं जाएगा, वही R2 में जाएगा,
मतलब R1 R2 किस में हो गया? सीरीज में। जो R3 में गया वो एक जाएगा R4 में, रास्ता एक ही है ना। इसका मतलब ये दोनों किस में हो गया? सीरीज में। ये दोनों भी सीरीज में, ये दोनों भी किस में है? सीरीज में। कोई कष्ट को जहाँ बटेगा वो पैरेलल, जहाँ रास्ता एक ही है वो सीरीज में हो जाएगा। चलिए R1 एंड R2 आर इन व्हाट? सीरीज, सही है। R1 2 का मतलब क्या हुआ? रिजल्टेंट ऑफ 1 एंड 2। 1 और 2 का रिजल्टेंट क्या होगा? फर्स्ट में 2 ओम प्लस 4 ओम 6 ओम होगा। फिर क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ 3 एंड 4। 3 और 4 किसमें? सीरीज में है ना। रास्ता एक ही होगा, रास्ता एक ही है। कितना हो गया? 3 ओम प्लस कितना? 6 ओम इक्वल टू कितना हो गया? 9 ओम। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं प्रॉब्लम ना। चलिए अब बोलिए, इस फिगर को हम रिड्यूस कर सकते हैं एक नए फिगर में। इस दोनों के बदले कितना आएगा? ये R12 कितना ओम का, और इस दोनों के बदले कितना आएगा? R34 कितना ओम? 9 ओम निकाले है ना। तो ये फिगर रिड्यूस कम तो हो गया। अब फिर बोलिए, ये दोनों किस में है? पैरेलल में। देयरफॉर रिजल्टेंट ऑफ 1 2 3 4 शॉर्ट ट्रिक क्या होगा? 6 गुना 9 बाय 6 प्लस 9। सॉल्व कर लेंगे, 54 बाय 15 समझ गए चीज। चलिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना ये क्वेश्चन में? लिखिए फास्ट में इसको, ये फिगर ड्रॉ कीजिए और इसको लिखिए फास्ट में, जितना फास्ट हो सके बाबू। फर्स्ट फिगर 5 नंबर ड्रॉ कीजिएगा और सॉल्यूशन का यहाँ पड़ा। एग्जाम में फिगर रिड्यूस कीजिएगा, यानी कि बस यहाँ दिया हुआ डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। इस फिगर से यह आएगा पहले क्या, उसके बाद आपका जो आएगा आंसर आना शुरू। अब इसके बाद का फिगर क्या होगा? इसके बाद का फिगर क्या आंसर हो जाएगा? इसके बाद जो भी आएगा काट के भर देंगे, उतना नहीं हो गया। इस दोनों के बदले क्या बुक करेंगे? सिंगल पीस आएगा, ठीक है। एकदम ध्यान दो, कहीं दिक्कत नहीं होगा। मिठाई से हाँ, मतलब इन सब चार हट जाएगा, अकेला ही काम करेगा सर। बिल्कुल इसका रियल का मतलब क्या होगा? रिजल्टेंट का मतलब क्या? 5 मजदूर मान लो कि एक काम को कर रहा है, एक ऐसा पहलवान ले आए जो सारा काम एक दिन में अकेले कर देगा। सब पड़ा उसको ले आएंगे ना, अकेले आएगा, काम भी फास्ट करेगा, खाएगा भी कम, और मतलब कि एक जगह भी कम लेगा, है कि नहीं? ठीक है, चलिए 5 के बाद देखिए 6 नंबर पे। 6 में कष्ट आपको नहीं होना चाहिए। 6 में कहा गया है कि एक ए और बी पॉइंट है, मतलब कि बैटरी को आप जोड़ रहे हैं। कैसे? बैटरी को जोड़ दिया है इससे, ठीक है यहाँ तक।
जो पॉइंट डार्क की उसी पॉइंट के अक्रॉस जोड़ा गया है। अच्छा देखिए यहाँ मान लेंगे, इसमें कुछ ये दाम दिए नहीं क्या? चलो ई वन ओम है बाबू, ई मान लो वन ओम है, आर थ्री भी कितना ओम है? वन ओम। करंट यहाँ गया, करंट यहाँ पहुँचा, करंट क्या हो गया? बट गया। करंट जो बट गया, बोलिए ये जो करंट यहाँ गया वही करंट यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मतलब दोनों किसमें हो गया? ब्रिज में। तो कहोगे सर आर वन एंड आर थ्री आर इन वट सीरीज, रिजल्टेंट ऑफ वन थ्री कितना हो गया? वन ओम प्लस वन ओम इक्वल टू टू ओम। कोई कष्ट किसी को? नहीं। चलिए बात नहीं, इस फिगर के बाद कहोगे सर इस दोनों को हटा करके कितना ओम का ले आएंगे? दो ओम का। ये तो वह आर थ्री वन ओम का वन ओम है ही, इस दोनों के जगह आप किसको ले आए? टू ओम ले आए। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? आठ वन थ्री का मान सही है ना? अरे ये यहीं कहीं रह गया, इस दोनों को हटा करके मतलब हिमालय तार है, इस तो इस बड़े तार खुड़ा कर लिया, स्मॉल तार ले आए कितना ओम का? दो ओम का। ठीक है, समझ आ गया? फिर दोनों किस में आ गया? फिलल में। तो देयर फॉर रिजल्टेंट ऑफ वन टू एंड थ्री, यहाँ पे टू होगा ना, रिजल्टेंट ऑफ वन टू थ्री किस में आ गया? फिलल में है। तो टू इंटू वन बाय टू प्लस वन इधर कितना हो गया? दो बाय तीन। सेम आया कैसे किया? ठीक है, यही फिगर यूज करना है, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर सात छः था ना, फिगर रिड्यूस करोगे अपने आप माइंड में काम कर जाएगा। फिगर कम करना है, सिंगल पाथ सीरीज में, डबल पाथ पैरेलल में। तो मार्क्स कहाँ है? अनिये बोलना नहीं देने पाए हम लोग को। प्यूस प्यूस मार्क्स गलत बात है। हो गया ना, मतलब फिगर नंबर सिक्स भी हो गया क्लियर। फिगर नंबर सेवन का ये पहले, सेवन नंबर भी आसान है, सभी ध्यान दो आप अच्छे से। सेवन नंबर पर ध्यान सभी दोगे फिगर इसका हम रिड्यूस करेंगे बाड़ी बाड़ी से, अब डायरेक्ट करेंगे इतना आप भूलेंगे नहीं। चलिए बात नहीं, इसका हम पहला फिगर रिड्यूस कर रहे हैं सभी ध्यान समझोगे। करंट कहाँ से दिया? बैटरी जोड़ दिया यहाँ से, ठीक है, जोड़ दिया बैटरी को, दो पॉइंट है ना, जोड़ दिया बैटरी को। करंट यहाँ गया, करंट यहाँ, करंट जैसे ही यहाँ पहुंचा करंट को कितना रास्ता मिला? तीन रास्ता, एक इधर और एक इधर, सही है। जो करंट इसमें गया वही करंट यहाँ जाएगा, मतलब दोनों किसमें है? दोनों किसमें हो गया? सीरीज। हो गया, कहोगे सर ये दोनों सीरीज में है, मतलब ये पॉइंट को आप पहले फिक्स कर दीजिए, लोन फिक्स पॉइंट को कर दिए, पॉइंट फिक्स कर दिए ना, ये दोनों सीरीज में मतलब एक प्लस एक कितना हो गया? एक प्लस एक, मतलब दोनों को हटा करके कितना ओम का ले आए? दो। सही है, ये बीच वाला बाबू जैसे है उसको वैसे ही छाप दिए, कितना ओम है ना? फिर ये दोनों सीरीज में है, फिर कितना होगा? फिर कहोगे सर इस दोनों को हटा दीजिए और ले आइए टू ओम का। अब तीनों किसमें हो गया? बन जाएगा उसके बाद। आया बस फिगर जहाँ कम हुआ काम खत्म। कोई कष्ट किसी को नहीं इसमें, सब उसे कर लोगे आप?
जिस पॉइंट के अक्रॉस निकालने का है उसी पॉइंट के अक्रॉस तार जोड़ दीजिए और देखिए रास्ता एक सीरीज में, रास्ता बट गया पैरेलल में, ठीक है, कम कीजिए अपने आप फट। चलिए आगे बढ़े, सब सॉल्व कर लोगे इसको, और एक क्लास भी जो आप सेंड करोगे प्रॉब्लम उसको कन्फर्म्ड होगा, जान लीजिए कन्फर्म बात है। चलिए अब सॉल्व हम नहीं करेंगे इसको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो 8 नंबर लिखा हूँ, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, इस पर आपको 15 सवाल देंगे और इस टाइप का बना पड़ के घर से बनाने। चलिए बात नहीं है, जान रहोगे इसका वो काम कैसे करेंगे, एकदम आसान है। क्या आसान है, एक तार आपके पास है, तार का रेजिस्टेंस कितना कहते हैं हम, 10 ओम मैंने कहा, ये तार है मतलब ए बी वायर, ए वायर मान लो, वायर को बेंड कर दी किसमें, सर्किल में, क्या वायर की लंबाई चेंज की, वायर को सर्किल में बेंड किया, वायर की लंबाई चेंज की, नो सर, वायर की मोटाई चेंज की, नो सर, जब वायर की लंबाई चेंज नहीं की, वायर की मोटाई चेंज नहीं की, इसका मतलब अभी भी पूरे का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आप उस वायर को दो इंड से बैटरी का जोड़ दीजिए, नहीं जोड़ दिए डायमीटर के इंड के, ये वायर मान लो बन गया, इस वायर का डायमेट्रिक इंड मतलब क्या, ये वायर का रेजिस्टेंस अभी कितना है, 10 ओम है, जब डायमीटर डायमीटर का इंड होगा, डायमीटर जहां इंड कर रहा है उसको डायमेट्रिक इंड कहते हैं इंग्लिश में, जिसको आपको 11th 12th में पढ़ना पड़ेगा, इस वर्ड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, डायमेट्रिक इंड कहते हैं, डायमीटर का किनारा को डायमेट्रिक इंड कहते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, बैटरी से जोड़ दिए दोनों महाराज को, जोड़ दिए तो बोलिए करंट वी पे जा रहा क्या हो गया, दोनों महाराज में बट गया, नहीं बट गया, करंट बट गया मतलब हाफ पार्ट, अगले हाफ पार्ट किसके आ गया, अरे ये हाफ पार्ट इस हाफ पार्ट से क्या हो गया, नहीं हो गया पैरेलल, बोलो ये पूरा पार्ट का रेजिस्टेंस 10 था, ये सेमी सर्किल है ना, सेमी सर्किल मतलब लेंथ हाफ हो गया, लेंथ हाफ तो रेजिस्टेंस हाफ, इसका मतलब ये कितना हो गया 5 ओम और ये कितना हो गया 5 ओम, दोनों किसमें आ गया पैरेलल में, 5 × 5 / 5 + 5 = 10 2.5 आंसर हो गया, सहवाग कर सकिए इसको, यही करना है, ठीक है, कितने पढ़ने का जी, उसमें लेंथ अभी 10 ओम था, बेंड किए दोनों इंड को जोड़ दिए, करंट बट गया, करंट बट हाफ पार्ट में करंट गया, पीस हाफ पार्ट में गया, जब लेंथ हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस हाफ होगा, क्योंकि आप पढ़ा है लेंथ रेजिस्टेंस के डायरेक्टली होता है कि नहीं, yes, तो लेंथ 10 था, अभी पूरा लेंथ ये था, हाफ पार्ट 5 हो गया, ये 5 हो गया, पैरेलल में कर लो इसको, yes। चलिए फटाफट लिखिए, समझे या नहीं, यहाँ पे कहोगे सिंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, सो ईच सेमी सर्कुलर पार्ट हैज रेजिस्टेंस ऑफ कितना ओम, 5 ओम, एंड दे आर इन व्हाट, और वो किस चीज में होगा, पैरेलल में, तो रिएक्टेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 5 × 5 / 5 + 5 मतलब 2.5 ओम, सॉल्व कर लोगे आंसर आएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ सवाल है, हो गया ना, तो कॉल क्लियर हो जाता। इसके बाद इसी क्वेश्चन में मान लो कहता कि डायमेट्रिक इंड के अलोंग एक तार और लगा दिए, डायमीटर में एक तार लगा दिया और एक ओम का, तो तीनों किसमें हो गया, अगर रहेगा तो उसका पता, ठीक है, नहीं रहेगा छोड़ देंगे, डांस कौन,
चलिए इस तरह से आपका ये आठवां सवाल भी हो गया। अब आइए बच्चा नौवां और दसवां सवाल पर, सभी ध्यान दो यहाँ पर, बात नहीं, एवरीवन सी केयरफुली यार। एक वायर का रेजिस्टेंस आर है, कितने भाग में बांटे इसको? पांचों भाग इक्वल है। जब पांचों भाग इक्वल है बाबू तो बोलो इस पांचों का रेजिस्टेंस कितना हो गया? आर बाय फाइव। कोई कष्ट किसी को है तो बोलो इसमें। आर बाय फाइव इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट बिकॉज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। सो व्हेन लेंथ बिकम फिफ्थ टाइम्स वन बाय फिफ्थ टाइम सो रेजिस्टेंस आल्सो बिकम्स आर बाय फाइव हो गया। लेंथ जब सबका वन बाय फाइव टाइम हो गया ना, रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, वन बाय फाइव। तीनों किसमें है? पैरेलल में। तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस को वन बाय आर, एक पीस ना ये पांच पीस है, दो पीस रहता तो शॉर्ट ट्रिक काम करता, पांच पांच पीस में काम तो करेगा ट्रिक ने। वन बाय आर वन मतलब कितना? वन बाय आर बाय फाइव, सही है। वन बाय आर बाय फाइव, वन बाय आर बाय फाइव, वन बाय आर बाय फाइव और वन बाय आर बाय। कोई दिक्कत किसी को? ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को आर पी लिखे मान लो, ठीक है। पाँच ऊपर गया, पाँच बाय आर, पाँच बाय आर, ये पाँच बाय आर, ये भी कितना? पाँच बाय आर, ये भी कितना? पाँच बाय आर। कोई दिक्कत? सबका एलसीएम ब्रो कितना होगा? आर। पाँच प्लस पाँच प्लस पाँच प्लस पाँच प्लस पाँच, पच्चीस। कोई दिक्कत? आर पी इक्वल्स कितना हो गया? आर बाय पच्चीस। सेम आया कैसे किसको? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई किए। कोई दिक्कत? नो सर। देखिए पास हो। क्लियर यहां तक हो गया ना? दिक्कत हो कहीं समझने में, नोट करने में, तो आप पूछ सकते हैं कहीं पर भी। चलिए एक लास्ट सवाल दे रहे हैं, इस तरह आपको घर पे वर्क कीजिएगा। एक पॉइंट ए, पॉइंट बी, यार एक सवाल आपसे हम पूछते हैं, बात बिल्कुल नहीं, एक सवाल हम पूछते हैं जो क्वेश्चन आपके एक कंपटीशन में आया था, देखते हैं जवाब कौन देता है इसका। ये आपको व्हाट्सएप पर सेंड भी किया, लेकिन बॉयज में एक भी बच्चा इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मत दीजिए भाई, आपकी इच्छा है। ये ग्राफ सीरीज का है, ये ग्राफ पैरेलल का है, ये ग्राफ सीरीज का, ये ग्राफ पैरेलल का। ये कहता है दो रेजिस्टेंस को आपने जोड़ा सीरीज और पैरेलल में, मान लो एक दो ओम, आर वन का मान मान ले दो ओम है, आर टू का मान मान लेते हैं फिर दो ओम है, सीरीज में रिजल्टेंट कितना होगा? सीरीज में रिजल्टेंट कहोगे चार ओम, नहीं कहोगे दो प्लस दो चार ओम कहोगे सीरीज में। पैरेलल में क्या कहोगे? पैरेलल में कहोगे दो गुना दो बाय दो प्लस दो, काटोगे वन ओम आए। पैरेलल में कम कि सीरीज में कम? वही रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वही है,
स्लिज में ज़्यादा आया, पेडल में कम आया, दोनों में से कौन सा फिगर इसके लिए सही है? फर्स्ट सही होगा। वी आई ग्राफ हमको रेजिस्टेंस देगा, रेजिस्टेंस मतलब स्लोप, स्लोप के लिए एंगल मापते हैं, एंगल किसका अधिक है, इसका एंगल अधिक है, इसका अधिक स्लोप होगा, सही बात है ना? तो ये गलत होगा, ये सही, यही क्वेश्चन था हम लोग का, नहीं होगा। सीरीज में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया ना, जब बढ़ गया तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब एंगल ज़्यादा बनाएगा, वो एंगल अधिक बना रहा नहीं है, एंगल से मालूम करेंगे क्या स्लोप, ठीक है। वही अगर ग्राफ को हम आई वी कर देंगे तब कौन सही होता, अगर आई वी ग्राफ कर देते तो कहते सर जी ये सही होगा, नहीं होगा, समझ आ गया ना? ये सारे कॉन्सेप्ट मैं लगभग 8 से 10 क्वेश्चन दिया हूँ, आप बताइएगा बहुत अच्छा सवाल दिया हो उसमें, नहीं भाई तो बोलेगा हमको, आप सारा सवाल एक पढ़े दिए उसमें, वो सारा सवाल टू जर का सवाल है, भेजें ग्रुप में 10 सवाल आपको भेजें, एज ए पी डी एफ भेजें, काम करो बचे सर। चलिए ये टॉपिक बाबू आपका आज का समाप्त हुआ, इसके बाद हम लोग आपको आज क्वेश्चंस गण में ही भेजेंगे 15 सवाल, उन 15 सवाल पर आप लोग को वर्क करना है, वो सारा सवाल इस तरह का होगा जो बताया है, प्रैक्टिस इतना कर लो कि आगे दिक्कत नहीं हो, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही आप सबों को।